नमस्कार मैं विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा और विश्वास है कि सभी पर ईश्वर की अनुकंपा बनी और रहेगी। इतना ध्यान दीजिए कि बिल्कुल डिसीजन अब ले लीजिए कि आपको करना है, और बिल्कुल आप इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें और बिल्कुल ही मनोवेग से लग जाए। क्योंकि जो यह समय आपका है, यह समय फिर दोबारा आएगा नहीं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है आपके जीवन का। इस समय आपको चतुर्दिक सपोर्ट भी मिलता है, पारिवारिक सपोर्ट मिलता है, आपका शरीर आपका सपोर्ट करता है। आगे चल के भी इसको आप पास डिले करते हैं तो यह मान के चलिए कि आप खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। आजकल आपने देखा है यूपीएससी का दौर कैसा चल रहा है, चाहे स्टेट कि सिविल सर्विसेज के कंपटीशन हो या संघ राज्य लोक सेवा आयोग के जो भी प्रतिस्पर्धी एग्जाम को क्रैक करके आ रहा है, बिल्कुल नया है। 21 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र है मैक्सिमम। बाद में तो एक दो निकलेंगे क्योंकि बाद की कंडीशन काफी बस्ट हो जाती है। उस समय आपकी अपनी कुछ निजी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां आपको घेर लेती हैं, और आपका शरीर भी, आपका मस्तिष्क भी उस क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाता है। लिहाजा आप बिल्कुल डिसीजन ले लीजिए और एकदम दृढ़ निश्चय करके मैदान जंग में आ जाइए, यही आपके लिए बेहतर होगा। भैया प्लेटफॉर्म छोड़ के निकल लीजिए, इसके अलावा कोई और चारा नहीं। ज्यादा इन सब बातों पर समय जाया नहीं करेंगे, हो सकता है आपको हमारी बात बुरी भी लगे, परंतु हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है। इस बात करनी जरूर होगी, लेकिन चलिए कल कर लेंगे, चलिए शाम को कर लेंगे, चलिए थोड़ी देर बात कर लेंगे, इस तरह की धारणा से अपने को बाहर निकालिए। करना है तो करिए, शुरू हो जाए, समय जाया न करे। यदि किसी की अंतरात्मा हमारी बातों से आहत हुई हो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। फिलहाल हम अपने विषय पे आते हैं। इसके पूर्व की कक्षा एक और आवश्यक सूचना आपको देनी है कि सैटरडे को जो प्रीमियर क्लास हमारी रिकॉर्ड हुई थी उसका टॉपिक था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में स्थित गणराज्यों के विषय में। हमारे आपके बीच में शीर्षक के बीच में डिस्कशन हुआ है, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते क्लास लोड नहीं हो पाई है। हमारी बात हुई है कोऑर्डिनेटर सर से, उन्होंने कहा है कि उसको हम एन केन प्रकारण आज उसको भी हम अपलोड कर देंगे, तो वो क्लास भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको बहुत चिंतित होना नहीं है। आज अब हम अपने को इन सारे तथ्यों से अब आगे बढ़ते हैं। जब हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहुंचते हैं, प्रवेश करते हैं, उत्तर वैदिक काल को हम क्रॉस करते हैं, तो हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जब द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और वह युग कई माने में बहुत महत्वपूर्ण युग रहा है। प्रत्येक क्षेत्रों में क्रांति हुई उसमें,
इन सब विषयों पर हमारे आपके बीच में चर्चा हो चुकी है। उस युग में हमने क्या देखा कि हमको उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में हम क्या देखते हैं कि हमको 16 महाजनपदों के अस्तित्व दिखाई देते हैं और उन 16 महाजनपदों में फिर एक होड़ लगती है, प्रतिस्पर्धा यहां ठहरती नहीं है, प्रतिस्पर्धाओं का ठहराव नहीं हुआ, प्रतिस्पर्धाएं अपने क्रम पर चलती रही और इस क्रम में हम क्या देखते हैं कि उस सूची में मिलने वाले 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद ऐसे आते हैं जो अब 12 महाजनपदों को पीछे छोड़ जाते हैं और ये चार महाजनपद एक प्रतिस्पर्धा की होड़ लगा लेते हैं। और वो चार महाजनपद कौन कौन से थे? कोसल, वत्स, मगध और अवंती। उन 16 महाजनपदों में हम क्या देखते हैं कि जो प्रतिस्पर्धा चालू होती है उसमें 4 हमको महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं जो कि एक गति ले लिए होते हैं। अब वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए बिल्कुल आमादा हो चुके थे और इस प्रतिस्पर्धा में कुशल, वत्स, मगध और अवंत इन 4 के अस्तित्व हमको दिखाई देते हैं कि जो बिल्कुल प्रतिस्पर्धा की होड़ में एकदम आगे आ चुके हैं। इनमें इस प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि मगध ने अंग को जीत लिया, अंग का पर अटैक किया। मगध नरेश बिंबिसार ने अंग को अपनी आक्रामक नीति का शिकार बनाया और अंग का अस्तित्व समाप्त हो गया और अंग की सीमाएं मगध में मिला ली गई। वैसे ही दूसरी हम देखते हैं कि कोसल ने काशी को जीत लिया, कोसल ने काशी का विलय अपने में कर लिया, अब काशी कोसल के अधीन आ गई। और वैसे ही दूसरी ओर हम देखते हैं कि मगध के ही एक शासक बिंबिसार के बाद अजातशत्रु ने अपने कुशल कूटनीतिज्ञ खड़यंत्रकारी महामंत्री वत्सकार की बुद्धि का प्रयोग किया और वत्सकार की कुशल कूटनीति से वज्र संघ में फूट पड़ गई और वज्र संघ में फूट पड़ जाने का संपूर्ण लाभ अजातशत्रु ने उठाया और अजातशत्रु ने वज्र संघ पर अटैक किया और वज्र संघ की स्वाधीनता खत्म करके वज्र संघ का भी विलय उसने मगध में कर लिया। तो इस तरह मगध का ही अंग वज्र संघ भी हुआ, वज्र संघ का विभेदन करके मगध की साम्राज्य सीमा में उसको भी मिला लिया गया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि चेंद और मगध ने अस्मक पर, मत्स पर चेंद, पहले शुरू में चेंद फिर आगे चलकर मगध ने मत्स्य महाजनपद पर विजय प्राप्त कर ली। मत्स्य महाजनपद पर पहले चेंद ने, फिर बाद में चेंद के दावे को हटाकर मगध ने मत्स्य का विलय अपने अंतर्गत कर लिया। अवंती के विषय में हम देखते हैं कि अवंती ने अस्मक पर विजय प्राप्त कर ली और अस्मक का विलय उसने अवंती में कर लिया। अवंती और वत्स में भी घोर शत्रुता चल रही थी।
दूसरी ओर अवंती और गांधार में, अवंती और गांधार, गांधार में भी एक कांटे की शत्रुता कायम रही। एक बात तो गांधार शासक पुष्करसारिन ने अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत को बुरी तरह युद्ध में परास्त भी किया। तो इस तरह ओवरऑल हम मिला के क्या देखते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उन 16 महाजनपदों का अस्तित्व खतरे में आ गया, और अब निकलकर उन 16 में से निकलकर सिर्फ 4 कोशल, वत्स, मगध और अवंत, ये 4 महाजनपद उभर कर बाहर आए। और इन चारों के बीच जो प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हुआ, जो अंग विजय से प्रारंभ होता है, बिंबिसार की अंग विजय से प्रारंभ होकर सम्राट अशोक की कलिंग विजय तक गया, कलिंग विजय तक, इन चारों ही महाजनपदों में आपस में भी प्रतिद्वंदिता गहरा गई। और इस प्रतिद्वंदिता का जो परिणाम आना था, जो नियत ने निश्चित कर रखा था, वही आया। और अंततः आगे चलते हुए मगध महाजनपद ने सभी महाजनपदों को पराभूत किया, उनका मान मर्दन किया। और एक समय ऐसा आया कि संपूर्ण उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत का भी हिस्सा, भौगोलिक क्षेत्र मगध साम्राज्य के की सीमा के अंतर्गत आने लगा। और जब सिकंदर का आक्रमण भारत पर होता है लगभग 326 ईसा पूर्व में, तो उस समय मगध की साम्राज्य सीमाएं फारस के साम्राज्य से कम नहीं थी। दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों में से मगध साम्राज्य, मगध इंपायर की चर्चाएं होती थी। और यही कारण था कि विश्व विजय का स्वप्न देखने वाला अलेक्जेंडर मगध साम्राज्य की सीमा पर आकर स्तब्ध ठहर गया, और वहीं पर उसकी सेना ने मेसिडोनिया के अधिपति के समक्ष बागी तेवर में विद्रोह कर दिया और मगध की सीमा में घुसना उन्होंने अपने प्राणों पर संकट महसूस करते हुए इनकार कर दिया। वह मगध की सीमा में प्रवेश न कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि मगध साम्राज्य की सैन्य शक्ति की धाक उन्होंने सुन रखी थी, और इसी मगध साम्राज्य की शक्ति की धाक के चलते अंदर ही अंदर उनका कलेजा दहल उठा, और मैसिडोनियन सैनिक एक विश्व विजेता का स्वप्न देखने वाले शासक के समक्ष भी अपने धैर्य को बांध न सके। तो इस तरह मगध साम्राज्य की सीमा का विस्तार कैसे वहां तक गया? इन 4 महाजनपदों में मगध ही क्यों उभर कर सबको सुपरसीड करने में सफल हुआ? ऐसे तमाम प्रश्न हैं। आइए हम देखने का प्रयास करते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उदय किन परिस्थितियों में हुआ। मगध मगध महाजनपद का उत्कर्ष, बल्कि इसको मगध साम्राज्य कह सकते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ? तो
तो पहले हम यदि मगध की लोकेशन देखें, मगध की लोकेशन देखें तो क्या पाते हैं कि आज के समय में मगध प्राचीन भारत का मगध, आज हम उसको बिहार प्रांत के दो जिले गया और पटना की भौगोलिक सीमा को हम क्या मानते हैं कि यह किसी समय में एक महाजनपद हुआ करता था और वह महाजनपद मगध के नाम से जाना जाता था। इसमें कुछ क्षेत्र इसमें शाहाबाद जिले का कुछ भाग माना जा सकता है, सब मान लिया जा सकता है कि कुछ हिस्सा इसमें शाहाबाद जनपद का भी आता था। मगध की लोकेशन, मगध के उत्कर्ष के कारण क्या रहे, तो यह देखा जाता है कि मगध के विषय में जो कुछ भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो पाती है तो इसकी राजधानी प्राचीन समय में इसकी राजधानी हमको प्रारंभ में इसकी राजधानी हम गिरिब्रज पाते हैं। प्रारंभ में राजधानी की बात हम करें, राजधानी इसकी हमको गिरिब्रज मिलती है। गिरिब्रज यह वह गिरिब्रज है जिसकी स्थापना, जिसका संस्थापक बृहद्रथ। यह एक ऐसा पात्र है जो महाभारत काल का है। महाभारत काल में हम क्या देखते हैं कि मगध की राजधानी गिरिब्रज हुआ करते थे और यहाँ का शासक यही बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। यहाँ का शासक जरासंध हुआ करता था। जरासंध के विषय में थोड़ी सी और डिटेल यदि हमको जानना हो तो हम यह पाते हैं कि यह मथुरा की यदुवंशी राजवंश का घोर विरोधी था, अर्थात भगवान कृष्ण का घोर विरोधी था। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने अपने जिस मामा कंस की हत्या की थी वह कंस इसी जरासंध का दामाद था। अपने दामाद की मृत्यु का कारण बनने के कारण कृष्ण से वह घोर शत्रुता रखता था। वह समय समय पर बीच बीच में मथुरा पर अटैक भी करता था और उसके आक्रमणों से तंग आकर भगवान कृष्ण ने मथुरा का परित्याग कर दिया था और एक नई राजधानी द्वारिका को स्थापित किया था। द्वारिका को स्थापित करने का मूल कारण जरासंध के आक्रमण ही थी। आगे चलकर जरासंध के मृत्यु का कारण कृष्ण हुए और कृष्ण ने एक छद्म मल्ल युद्ध के माध्यम से पांडव पुत्र भीम के द्वारा उसकी हत्या करवाई, उसको मरवाया था। तो इस तरह से हम प्रारंभ में जब मगध के विषय में देखने का प्रयास करते हैं हमको उसकी राजधानी गिरिब्रज मिलती है, परंतु यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्व की घटना है। यदि हम जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कालखंड में जब हम मगध पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस समय हमको क्या मिलता है कि मगध की राजधानी प्रारंभ में राजधानी राजगृह। हम यहां बात कर रहे हैं कि उन चार महाजनपदों में कुशल वत्स, मगध और अवंती में मगध का वर्चस्व कैसे कायम हुआ, अर्थात मगध के उत्कर्ष के कारण क्या रहे,
हम यहाँ यही देख रहे हैं कि मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ, उस उत्कर्ष के पीछे कारण क्या रहा, आखिर वह इन महाजनपदों को सुपरसीट कैसे कर गया, कैसे ओवरटेक उसने इनको किया, उसके कारण क्या रहे, उन्हीं कारणों पर हम चलेंगे, उन्हीं कारणों को हम देखने का प्रयास करेंगे कि मगध के उत्कर्ष के कारण क्या रहे। परंतु उसके कारणों पर हम सीधे जाएं, उसके पहले हमको उसको उसकी पृष्ठभूमि को तलाश लेनी होती है। उसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि प्रारंभ में उसकी राजधानी राजगृह थी, बाद में आगे चलकर बाद में राजधानी पाटलिपुत्र हुई। ये दोनों ही राजधानियां दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए, मगध के हित को ध्यान में रखते हुए उनको स्थापित की गई। राजगृह के विषय में जो कहा जाता है, राजगृह पर हम आए इसके पहले हम जिन विषयों को जानने का प्रयास करेंगे वो विषय यही है कि मगध साम्राज्य जो गया और पटना जनपद का आज का बिहार का भौगोलिक क्षेत्र है, वही किसी समय में मगध साम्राज्य हुआ करता था, मगध महाजनपद के रूप में जाना जाता था। मगध महाजनपद उत्तरोत्तर विकास करता है और विकास करने के बाद में एक समय ऐसा भी आता है कि मगध साम्राज्य का इतिहास संपूर्ण भारत का इतिहास बन जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न यह खड़ा होता है कि बुद्ध काल के चार बड़े महाजनपदों कोसल, वत्स, अवंती और मगध में मगध का ही विस्तार आखिर क्यों हुआ, आखिर मगध का ही विस्तार क्यों हुआ, अन्य महाजनपदों का विस्तार क्यों नहीं हुआ, मगध का ही विस्तार क्यों होता है, क्यों हुआ? तो क्योंकि ये सभी विस्तारवादी विचारधारा के पोषक तो थे, ये सभी महाजनपद विस्तारवादी विचारधारा के पोषक तो थे, परंतु एक दूसरे की सीमाओं को फैलने से रोकते भी थे। इन्होंने ही एक दूसरे की सीमाओं को फैलने से रोक भी रखा था। जैसे कोसल महाजनपद, यदि हम कोसल की बात करें तो हम क्या देखते हैं, कोसल की बात करें तो यह वत्स पांचाल अवंती और मगध से घिरा हुआ था। इसके चारों ओर ऐसे साम्राज्य थे, ऐसे महाजनपद थे जो उसको बाहर निकलने के लिए बांधे हुए थे। वह अपनी भौगोलिक सीमा का विस्तार नहीं कर सकता था, जहां कहीं भी वह पड़ता तो किसी न किसी शक्तिशाली ताकत के साथ उसका संघर्ष प्रारंभ हो जाता। इसलिए कोसल का विकास, कोसल का विस्तार इतना आसान, इतना सरल नहीं रह गया था। फिर दूसरी ओर यदि हम वत्स महाजनपद की बात करें, वत्स की बात हम करें तो हम वत्स को क्या देखते हैं कि वत्स महाजनपद भी अवंती कोसल और मगध, यह भी अवंती कोसल और मगध की सीमा से आबद्ध था। इन तीन बड़े महाजनपदों की सीमा से आबद्ध था, उनकी सीमाओं से वह बांधा हुआ था, वह घेर लिया गया था। फिर यदि इन्हीं में से अन्य महाजनपद अर्थात हम अवंती की बात करें तो अवंती को हम क्या देखते हैं कि अवंती वत्स और कोसल से घिरा हुआ था। साथ ही साथ
साथ ही साथ हम क्या देखते हैं अवंति के विषय में कि वत्स और अवंति, अवंति में घोर शत्रुता थी, घोर शत्रुता थी। फिर इसी तरह आगे और भी हम क्या अवंति के विषय में पाते हैं, तो अवंति, अवंति के विषय में एक और साक्ष्य मिलता है, तो अवंति और गांधार, अवंति गांधार के साथ, गांधार के साथ युद्ध में, गांधार के साथ जो उसका युद्ध चल रहा था उस युद्ध में वह बुरी तरह से झगड़ा हुआ था, अर्थात गांधार की घोर शत्रुता से वह गांधार के साथ घोर शत्रुता साथ घोर शत्रुता से जूझ रहा था। यह तीन ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी, यह तीन ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी अवंति के संदर्भ में कि अवंति अपनी साम्राज्य सीमा का विस्तार तेजी से नहीं कर सकता था। कोशल को हमने देखा तो कोशल में हम पाते हैं कि वह वत्स, पांचाल, मगध और अवंति ये बड़े महाजनपदों के घेरे में था, इसलिए इसका जंप करना, इसकी भौगोलिक सीमा को अपने बढ़ा ले जाना संभव नहीं था। जिस किसी भी दिशा से वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता वहीं उसको करारी टक्कर मिलने प्रारंभ हो जाती, इसलिए कोशल जितने में था उतने में ही सिमटा रहा और बहुत कुछ प्रयास के बावजूद भी वह अपने साम्राज्य का विस्तार, अपने महाजनपद को साम्राज्य की श्रृंखला की कड़ियों में आगे नहीं ले जा पा रहा था। वत्स के विषय में देखते हैं तो इसके दक्षिण में अवंति उसको बुरी तरह से घेरे हुए, उत्तर से कोशल और पूर्व से मगध की सीमा उसको दबाए हुए थे, तो वत्स के लिए भी यह विकल्प नहीं मिल पा रहा था कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार करता। बात आती है मगध की, तो मगध के साथ कुछ ऐसा ही घट रहा था, नियत ने कुछ निश्चित कर रखा था जिसकी वजह से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ होता है और एक लंबी लंबे भौगोलिक क्षेत्र तक इसका फैलाव भी होता है। तो मगध के विषय में जब हम देखते हैं तो क्या पाते हैं, इसके मगध के पूर्व में अंग का एक दुर्बल राज्य था। अंग के विषय, मगध के विषय में जब हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि पूर्व में इसके, पूर्व में एक दुर्बल राज्य अंग था। अंग और मगध को बीचों बीच बांटती थी एक नदी और वह नदी थी चंपा नदी। चंपा नदी के तट पर ही बसी होने के कारण अंग महाजनपद की राजधानी भी चंपा ही थी। अंग एक दुर्बल राज्य था, अंग एक दुर्बल राज्य था। अंग के अगल बगल उसको कुछ भी सपोर्ट करने वाली स्टेटें नहीं थी। परिणाम क्या हुआ कि मगध नरेश बिंबिसार ने जब अपनी दो नीतियों से, जब उसने अपनी दो महत्वपूर्ण नीतियों का पालन किया और उन दो नीतियों में उसने सबसे पहले वैवाहिक संबंधों की नीति और वैवाहिक संबंधों की नीति के बाद में उसने जो दूसरी नीति का प्रयोग किया मैत्री संबंधों की नीति, दोनों ही नीतियों को जब उसने लागू किया, दोनों ही नीतियों का जब प्रयोग किया तो उस प्रयोग का एक सकारात्मक परिणाम निकला और परिणाम यह निकला कि उसको सपोर्ट करने वाले महाजनपद पूरी तरीके से उसके साथ आ गए और जब जो उसके संबंधों में बंधा नहीं था, अर्थात जो उसके वैवाहिक संबंधों की नीति में नहीं बंधा था, उनके साथ उसने मैत्री संबंधों की नीति का प्रयोग किया। मैत्री संबंधों की नीति और वैवाहिक संबंधों की नीति के माध्यम से उसने अपने आसपास के शासकों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया और तब उसने अपनी तीसरी आक्रामक नीति का श्री गणेश किया और उसकी इसी आक्रामक नीति का पहला शिकार अंग महाजनपद हुआ।
तो इस तरह जो देखा गया वह यही था कि मगध ने पूर्व की दिशा, पूर्व की ओर से अपने साम्राज्य के विस्तार की श्रृंखला प्रारंभ की, और वह विस्तार अंग से जब प्रारंभ होता है, डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने बिंबिसार की इसी अंग विजय के बाद एक सामरिक टिप्पणी की, और उन्होंने उस टिप्पणी में लिखा कि फिर तो मगध निरंतर विस्तार की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है और वह आगे भी बढ़ता ही गया, जब तक कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपनी तलवार को म्यान में नहीं रख दिया। तो यह अंग के साम्राज्य विस्तार का पहला कदम था, यहीं से उसका विस्तार प्रारंभ हो पाया। तो पूर्व में हम क्या देखते हैं कि एक दुर्बल राज्य था, दुर्बल राज्य, दुर्बल महाजनपद अंग था। वहीं उत्तर की ओर हम क्या देख पाते हैं, वज्र संघ का एक गणों के अधीन एक गणराज्य था, एक संघ राज्य था। उत्तर में हम क्या देखते हैं, उत्तर, उसकी उत्तर दिशा में गंगा के उस पार, गंगा के उत्तर की छोर में वज्र संघ था। वज्र संघ जो गणराज्य था, राजतंत्र नहीं था, गणराज्य जब वह था ही वह प्रकृतिया स्वाभाविक था कि उसकी अपनी विस्तारवादी नीति नहीं होगी, वह जितने में है उतने में ही चुस्त दुरुस्त रहना चाहेगा। परंतु यहां पर इस वज्र संघ का भेदन बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। अजातशत्रु ने अपने कुशल कूटनीतिज्ञ महामंत्री वत्सकार कूटनीति का प्रयोग किया और वज्र संघ में फूट डलवा दी, और उस फूट का परिणाम क्या हुआ कि जब वो आपस में ही उलझ गए तो मगध की सेना ने उस पर अटैक किया और वज्र संघ का भेदन करते हुए वज्र संघ का विलय मगध में कर लिया गया। मगध में विलय कर लेने के बाद अब मगध साम्राज्य की सीमा काफी फैलाव ले चुकी थी, और इस फैलाव से जो परिणाम आया, जो राजनीतिक लाभ निकाले गए, इनके दुर्बल स्वभाव का उन्होंने पूरा फायदा मगधों ने लिया। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके माध्यम से मगध साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ होता है। अब हमको यह देखना है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के मूलभूत कारण आखिर क्या था। मगध साम्राज्य को यह ध्यान में रखना है कि प्रारंभ आज के समय में इसको यदि हम देखें तो यह बिहार प्रांत का गया और पटना जनपद है, शाहबाद जिले का कुछ भाग भी हम मान सकते हैं कि साम्राज्य के इस महाजनपद के अंतर्गत आता था। प्रारंभ में इसकी राजधानी राजगृह और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुई। राजगृह और पाटलिपुत्र पर भी अभी हम चर्चा करेंगे, जरूरी है। कारण यह है कि इन दोनों ही राजधानियों के कुछ मायने थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखने का प्रयास करते हैं कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण क्या है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, उत्कर्ष के कारण, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण क्या रहा, आखिर मगध में ऐसा क्या रहा, ऐसा क्या कुछ मगध को मिला था कि मगध का उत्कर्ष हुआ और शेष महाजनपद उस विस्तारवादी नीति में मगध से काफी पीछे छूट गए और धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आया कि सभी महाजनपदों का अस्तित्व समाप्त हो गया और मगध अब राज्य नहीं बल्कि साम्राज्य के रूप में भारतीय इतिहास के अक्षपटल पर एक ध्रुव की भांति चमक उठा। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण क्या है,
इसमें सबसे पहला कारण हम क्या देखते हैं कि मगध साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, मगध की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, मगध की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति वह पहला कारण था मगध की भौगोलिक स्थिति ऐसी। फिर दूसरा कारण जो उसका आता है, उसके उदय के पीछे जो कारण माने गए, उन कारणों में जो दूसरा कारण आता है वह था कि यह महाजनपद हम उत्तर वैदिक काल से ही क्या देखते हैं कि वैदिक संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र से बाहर था। दूसरा कारण उसका मगध का वैदिक संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र से बाहर, वैदिक संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र से बाहर था। उत्तर वैदिक काल में हमने देखा कि उनका विस्तार कहाँ तक था, और अंग और मगध को हम उत्तर वैदिक काल में हमारे आपके बीच में चर्चा हो चुकी है कि जहां कि अंग और मगध को वैदिक क्षेत्र से बाहर माना गया, वैदिक क्षेत्र से इनको बाहर बताया गया है। अथर्ववेद इन्हीं को व्रात्य कहता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो वैदिक संस्कृति के बाहर, वैदिक संस्कृति के का जो प्रभाव था वह मगध पर लागू नहीं था, मगध उन विचारधाराओं उन संकल्पनाओं को वह नहीं स्वीकार करता था। वह वैदिक संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र से जब वह बाहर था तो उसका उसको क्या लाभ मिला और उस लाभ से मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का क्या लेना देना है, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। फिर जो तीसरा कारण बनता है वह तीसरा कारण था कि मगध के लोगों ने लोहे का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया। तो लोहे का बेहतर उपयोग भी इसका एक इसके विस्तार का महत्वपूर्ण कारण था। लोहे का बेहतर उपयोग भी मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी था। मगध का विस्तार जो हो रहा था उसमें लोहे की अहम भूमिका थी। साथ ही चौथा कारण जो था वह था हाथियों का सदुपयोग, हाथियों का पहली बार सदुपयोग हमको यहां से दिखाई देने लगता है, जो आर्थिक के साथ साथ सामरिक भी था, तो हाथियों का सदुपयोग। और फिर मगध के लिए एक जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात थी वह यह थी कि यह एक ऐसा महाजनपद था जिसने योग्य राजवंशों और योग्य राजाओं को उसने जन्म दिया, और इन शासकों में कोई एक दो शासक नहीं, एक श्रृंखला मिली। जिस किसी भी राजवंश ने शासन किया उसमें योग्य शासकों का अभाव नहीं हुआ, और यही कारण था कि मगध साम्राज्य दिनों दिन बढ़ता ही चला गया। और बृहद्रथ से यदि हम कह दें कि यदि हम उसको उत्तर वैदिक काल में ले जाके देखें, उत्तर वैदिक काल से उसके विकास की बात करें, उसके विस्तार की बात करें, तो हम उसको बृहद्रथ से शुरू करेंगे तो बृहद्रथ के तक ही आकर उसका अंत होता है। यदि हम जरासंध के पिता बृहद्रथ की बात करें, जो उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में जाया जाता है, जिसको हम महाभारत से जोड़े, बृहद्रथ से शुरू होकर मगध साम्राज्य का जो विस्तार शुरू हुआ था
फिर वह बृहद्रथ पर ही आकर ठहर गया। यह बृहद्रथ कौन था? यह बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी 184 ईसा पूर्व में हत्या कर दी गई और वह हत्या इसी बृहद्रथ के ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और यही के बाद मगध साम्राज्य का अवसान हो गया और एक नवीन राजवंश शुंग वंश की स्थापना हुई। तो यहाँ तक हम बृहद्रथ से शुरू करें तो बृहद्रथ तक बात आती है, या फिर हम अंग से शुरू करें 600 BC में, यदि हम इस बात को सीमा से नीचे आए, उत्तर वैदिक से नीचे आए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आए, तो अंग से प्रारंभ होकर वह कलिंग तक आती है। कलिंग तक मगध का विस्तार दिनों दिन होता रहा, और कलिंग युद्ध के पश्चात ही मगध साम्राज्य कुछ समय तक ठहर पाया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे स्नेह स्नेह करके मगध साम्राज्य की सीमाएं संकुचित होने लगी, और सिमटते एक समय ऐसा भी आया कि अब क्षेत्रीय राज्यों का जगह जगह उदय होता है एक थोड़े समय के लिए, और फिर मौर्यों के पतन के बाद फिर 4वीं शताब्दी ईस्वी से अर्थात गुप्तों के शासनकाल से फिर से यह विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया टूटती है और एक नवीन केंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो हम यहाँ मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का अगला कारण क्या पाते हैं कि योग्य राजवंशों एवं शासकों की श्रृंखला ये कारण हम मान सकते हैं कि इन कारणों के चलते मगध ने अन्य महाजनपदों की अपेक्षा बेहतर उपयोग किया। न तो अन्य महाजनपदों की भौगोलिक स्थिति मगध जैसी थी, और न ही अन्य महाजनपद उत्तर भारत के अन्य महाजनपद वैदिक संस्कृति से बाहर थे, वैदिक विचारधारा को मानने वाले थे, वैदिक संस्कृति से बाहर नहीं हो सके थे, और न ही अन्य महाजनपदों में लोहे का उतना बेहतर उपयोग किया गया, लोहा मिल रहा था। खनिज संपदा के रूप में जो लोहा मगध को मिला, वही खनिज भंडारण यही घात अवंती में भी थी, परंतु अवंती में भी इस कदर लोहे के का मिलना भी अवंती को मगध के सामने नहीं ठहरा सका। क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती में एक योग्य शासक मिलता है, चंड प्रद्योत, और प्रद्योत के बाद योग्य शासकों का वहां अभाव, और जब मगध पर शेषनाग वंश ने शासन करना प्रारंभ किया, हर एक वंश के बाद दूसरा वंश जब आता है शेषनाग वंश, तो शेषनाग वंश के शासक शिशुनाग ने अवंती को अटैक किया और अवंती का पतन कर उसने अवंती का विलय मगध में कर लिया। अवंती की साम्राज्य सीमाओं को उसने तोड़ दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, और वह मगध के दायरे में उसको समेट लेता है। तो अवंती में लोहे का भंडारण होने के बावजूद भी वह उस लोहे का सही सदुपयोग नहीं कर पा रहा था, और सदुपयोग न करने का कारण क्या था कि जिस तरह से योग्य राजवंशों और योग्य शासकों की जो श्रृंखला मगध को मिल रही थी, उसकी अपेक्षा अवंती को या अन्य महाजनपदों को नहीं मिली। तो यहां इन सभी कारणों ने कुल मिलाकर मगध साम्राज्य के विस्तार की कड़ियां गढ़ दी। अब हम बारी बारी से यदि हम एक एक कारण पर जाएं, एक एक कारण को हम देखने का प्रयास करें, तो हम पाते हैं कि उसकी पहले भौगोलिक सिचुएशन हम देखने का प्रयास करते हैं,
कि मगध की भौगोलिक सिचुएशन ठीक है। हम मगध की भौगोलिक स्थिति यदि देखने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मगध की जो मगध का जो भूगोल था, यदि हम इसको मगध मान लें, मगध तो मगध साम्राज्य के उत्तर में गंगा नदी रहती थी। गंगा नदी मगध के पूर्व में हम देखें तो पूर्व में हमको क्या दिखाई देता है, यहां हमको एक नदी दिखाई देती है चंपा, जो अंग और मगध को बांटती थी। तो यहां चंपा, इसी को गंडक और उत्तर वैदिक काल में हम इसको सदानीरा के नाम से पाते हैं, सदानीरा बहा करती थी। इसके पश्चिम में सोन नदी थी, सोन नदी, और दक्षिण में इसके विंध्याचल पर्वत था। इसके दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी थी। इस तरह से मगध चारों तरफ से प्राकृतिक सीमाओं से बंधा हुआ था। इन प्राकृतिक सीमाओं से आबद्ध होने के कारण एक बड़ा लाभ इसको मिल रहा था, और वह बड़ा लाभ क्या था कि कोई भी आक्रमणकारी बड़ी आसानी से मगध पर अटैक नहीं कर सकता था। वह चारों तरफ से प्राकृतिक सीमाओं से बंधी हुई थी। यहां हम दूसरी ओर देखें उसकी राजधानियों की, तो राजधानियों में जो प्रारंभिक राजधानी मिलती है हमको, प्रारंभ की राजधानी क्या थी, राजगृह, और बाद में जो इसकी राजधानी बनाई गई वह थी पाटलिपुत्र। प्रारंभिक राजधानी राजगृह जो थी वह पांच पहाड़ियों से घिरी हुई थी। उसके चारों तरफ पांच पहाड़ियां उसको घेरे हुए थे। उन पहाड़ियों के बीच में यह नगरी बसी हुई थी राजगृह, एक संपन्न नगर, एक प्राकृतिक दृश्य व्यक्त करने वाला नगर वहां स्थित। पाटलिपुत्र की हम बात करें तो पाटलिपुत्र की स्थापना या पाटलिपुत्र की प्रारंभिक चर्चा हमको बौद्ध साहित्य से मिलती है, और बौद्ध साहित्य में इस पाटलिपुत्र को पाटलिग्राम कहा गया है, पाटलिग्राम। पहली बार इसका उल्लेख हम देखते हैं जब मगध नरेश अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करने की प्लानिंग करता है, उसी समय वह इसी गांव के पास आकर पाटलिग्राम के पास में उसने किलेबंदी की थी, और उस किलेबंदी ठीक वैशाली के आमने सामने थी, गंगा की इस तरफ, गंगा के दक्षिण में पाटलिग्राम और गंगा के उत्तर में वैशाली जो वज्र संघ की प्रमुख राजधानी थी, वैशाली के आमने सामने थी। और इस किलेबंदी का लाभ वह पूरी तरीके से सेना को इकट्ठा करके, सेना को वहां जुटा के उसका वह लाभ लेना चाहता था कि किसी भी समय वत्सकार की ओर से यदि संकेत होता है तो तुरंत हमको अटैक करना है। और यह वह महत्वपूर्ण स्थल था जहां से कि गंगा घुमाव लेती थी, और घुमाव लेने के कारण वहां गंगा का पाट कम था, और उस गंगा के कम पाट को पार करना आसान था, उसमें जल्दी हो सकता था। तो वहां समय को न जाया करने की बात थी कि बिना समय को नष्ट किए वैशाली को तुरंत चतुर्दिक अटैक करना था। ऐसी स्थिति में पाटलिग्राम का प्रारंभिक साक्ष्य को वहां मिलता है। फिर यही पाटलिग्राम आगे चलकर अजातशत्रु के पुत्र उदयन के शासनकाल में पाटलिपुत्र के नाम से विकसित की गई, और उदयन ने ही पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी होने का गौरव प्रदान किया। उदयन के बाद जब शिशुनाग
जब सत्ता बदलती है, शिशुनाग शासक होता है, मगध की राज सिंहासन पर आसीन होता है, उसने मगध की राजधानी को ट्रांसफर कर दिया और वह पाटलिपुत्र में रहकर राजकार्य संचालित नहीं करना चाहता था। शिशुनाग ने राजधानी ट्रांसफर करके वैशाली ले गया वो, क्योंकि अब वैशाली मगध साम्राज्य के अंतर्गत था। अब मगध वह मगध का अंग था, उसने मगध की राजधानी वैशाली को बनाई। परंतु इसके बाद उदयन के शिशुनाग के बाद कालाशोकाकर्ण के शासनकाल में फिर राजधानी वहां से ट्रांसफर की जाती है और राजधानी वापस लाकर पाटलिपुत्र स्थापित कर दी जाती है। वैशाली से राजधानी का ट्रांसफरेशन होता है और राजधानी लाकर पुनः पाटलिपुत्र स्थापित की जाती है। तो इस तरह राजधानियों का मगध की मगध साम्राज्य की राजधानी का ट्रांसफरेशन बराबर लगा। तो यहाँ भौगोलिक स्थिति में यह महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात यह थी कि जो राजधानी थी पाटलिपुत्र भी तीन तरफ से नदियों से घिरी हुई थी। पाटलिपुत्र को भी तीन तरह से नदियां घेरे हुए थे। पाटलिपुत्र भी तीन नदियों से घिरा हुआ था। तीन नदियों से घिरा था। पश्चिम में सोन, पूर्व में चंपा या गंडक और उत्तर में गंगा नदी पाटलिपुत्र को सुरक्षा प्रदान करती थी। उसकी एक अन्य दिशा, उसकी दक्षिण दिशा विंध्य पर्वत से घिरा हुआ था। तो इस तरह से दोनों ही राजधानियां, चाहे वह राजगृह रही हो चाहे पाटलिपुत्र रही हो, वह पूरी तरह से सामरिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूती के साथ स्थापित की गई थी। ना किसी भी विदेशी आक्रांता का सहजता से पहुंच पाना बिल्कुल असंभव था। इतना समय बड़े ही आसानी से उनके योद्धाओं को, सैनिकों को मिल सकता था कि कोई विदेशी आक्रांता आ रहा है और वह सतर्क हो सकते थे। इस तरह इन राजधानियों के घेरे ने मगध साम्राज्य के हृदय को, उसकी राजधानी को पूरी तरीके से मजबूती प्रदान की। पर बिना राजधानी को जीते किसी भी साम्राज्य की विजय नहीं मानी जाती थी। तो यहाँ पर जो देखने को मिलता है कि मगध साम्राज्य को महत्वपूर्ण रूप से प्राकृतिक सीमाओं ने आबद्ध कर रखा था, फिर उसकी भौगोलिक सीमा का दूसरा लाभ क्या था कि यहाँ ये जो नदियां थी, इन नदियों से एक तो सामरिक सुरक्षा मिल रही थी इनको। नदियों से जो लाभ हो रहा था वह लाभ क्या था कि पहला लाभ तो उनको मिला कि सामरिक सुरक्षा इन्हें मिली। पहला लाभ जो नदियों से मिला वह लाभ यही था कि उनको सामरिक सुरक्षा मिली। फिर दूसरा लाभ क्या था कि इनको आर्थिक लाभ भी मिला। इन नदियों ने मगध साम्राज्य को, मगध महाजनपद को आर्थिक दृष्टिकोण से भी स्ट्रॉन्ग करने का भरपूर प्रयास किया। आर्थिक लाभ की जब हम बात करें, इन नदियों से होने वाले लाभ जो रहे उनमें आर्थिक लाभ भी हुए। ये तो सामरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से लाभ था और फिर दूसरा आर्थिक लाभ क्या हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि यहाँ की भूमि प्रत्येक वर्ष बाढ़ से लाई गई पानियों के माध्यम से जो जलोढ़ मिट्टी आती थी, जिसकी लेयर वहाँ एक बड़े मैदान पर जमती थी, उसने एग्रीकल्चर को बहुत सपोर्ट किया। तो सबसे बड़ा इसका आर्थिक लाभ तो यही था, यह संपूर्ण क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र में बदल गया। उपजाऊ
क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। बड़ा आर्थिक लाभ था, जहां अन्न महत्वपूर्ण था, अन्न के विषय में अन्न को पूरी तरीके से, जहां जो मानवीय जीवन जिस पर आधारित था, वह अन्न यहां इतने बड़े विशाल क्षेत्र में फैलाव लेकर अपना लाभ दे रहा था। कृषि में और इन नदियों के चलते इन नदियों ने इस प्रकार सिंचाई को भी, सिंचाई की समुचित व्यवस्था यहां के कृषकों को उपलब्ध करा दी। साथ ही यह नदियां, इन नदियों के सिंचाई में प्रयुक्त जल ने यहां के कृषकों को जो बड़ा वरदान दिया हुआ था, अधिशेष उत्पादन कृषि के क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन पर हमारे आपके बीच में कई बार डिस्कस हुआ है। ये सरप्लस प्रोडक्शन की बात है। जब एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन होता है, जब भी जहां कहीं भी अधिशेष उत्पादन होगा, खपत से ज्यादा उत्पादन होगा, तो वह रूरल एरिया अर्बन सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। वह ग्रामीण संस्कृति नगरी या शहरी सभ्यता का रूप लेने लगती है। और उसी का परिणाम यह था कि मगध साम्राज्य में कई प्रकार के नगरों की चर्चाएं हमें मिलने प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से आर्थिक लाभ में उपजाऊ क्षेत्र का परिवर्तित हो जाना, सिंचाई की समुचित व्यवस्था का नदियों के माध्यम से मिल जाना, कृषि के क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन का होना, और साथ ही साथ एक शुद्ध पेयजल की प्राप्ति, शुद्ध पेयजल के रूप में उपयोग इन नदियों के द्वारा होने लगा। और एक और भी महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाला जो आधार बना, वह आधार था कि यहाँ के लोगों को, मगध के निवासियों को बहुत ही सरल व्यापारिक मार्गों की प्राप्ति हो। अब वो अपने माल को, अपने पणि को देश के कोने कोने तक ले जाने में सफल हो रहे थे, क्योंकि ये नदियां कोई छोटा क्षेत्र लिए हुए नहीं थी, एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई ये नदियां पूरी तरीके से उनके आर्थिक उनके ट्रेड एंड कॉमर्स को पूरी तरीके से सपोर्ट करने का काम कर रही थी। सरल व्यापारिक मार्गों की ये प्रदान कर रही थी। तो इस तरह एक महत्वपूर्ण और जो आर्थिक लाभ हुआ, वह था सरल व्यापारिक मार्गों की प्राप्ति, उनको सरल व्यापारिक मार्गों की प्राप्ति भी हुई। तो इस तरह ये महत्वपूर्ण व्यापारिक लाभ, आर्थिक लाभ भी मगध साम्राज्य को काफी स्ट्रांग कर रहे थे। और एक सबसे मूलभूत बात होती है कि किसी भी साम्राज्य की मजबूती उसकी अर्थव्यवस्था पर आकर ठहरती है। यदि वह फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, उसके अन्य जितने भी पक्ष हैं, सब अपने आप मजबूत होंगे। और यही कारण था कि मगध साम्राज्य आर्थिक रूप से जब स्ट्रांग हुआ, मजबूत हुआ, तो उसका प्रत्येक पक्ष, चाहे वो राजनैतिक पक्ष रहा हो, चाहे सामरिक पक्ष रहा हो, चाहे कूटनैतिक पक्ष रहा हो, वह सब कुछ मजबूत हुआ। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यदि हमको पहला कोई साक्ष्य मिलता है जिसने स्थाई सेना रखी हो, तो वह महाजनपद मगध ही थी। मगध के शासक
बिंबिसार के विषय में जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन उसको श्रेणी शब्द से संबोधित करता है। श्रेणी का अर्थ होता है कि स्थायी सेना रखने वाला या महती सेना रखने वाला। तो यह वह पहला शासक था, क्योंकि यदि हम सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर वैदिक काल तक, क्योंकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले जब हम जाते हैं तो हम वहां तक क्या पाते हैं, सामरिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो वहां हमको स्थायी सेना के साक्ष्य नहीं मिलते। चाहे वह पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था हम देखें या फिर वहां से हम जम करके उत्तर वैदिक काल में आके देखें, तो उत्तर वैदिक काल तक हमको सामरिक दृष्टिकोण से स्थायी सेना के साक्ष्य नहीं मिलते। सेना थी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं, जब इसका प्रशासनिक संगठन देखते हैं, तो वहां हमको सेनापति उसके 12 रत्नियों में मिलता है। और सेनापति क्यों, सेनापति की जरूरत क्यों पड़ती है? सेना को नियंत्रित करने वाला या सेना पर एकाधिकार रखने वाला व्यक्ति ही सेनापति होता था। तो सेनापति का होना यह स्पष्ट करता है कि नहीं, वहां सेना थी, परंतु सेना वहां की सेना अस्थायी सेना थी। आवश्यकता पड़ने पर जब कोई जन किसी दूसरे जन को अपने जन में मिलाना चाहता था या कोई जनपद दूसरे जनपद पर अटैक करता था, तब हमको सेना की जरूरत पड़ती थी। और वो सेना कबीलों से ही नवयुवकों को इकट्ठा करके बनाई जाती थी। ऐसी सेना को उत्तर वैदिक काल में मिलेशिया कहा गया है। इस पर हमने हमारे आपके बीच में चर्चा हुई है। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को आप देखेंगे तो वहां ये शब्द मिलेगा, मिलेशिया। अर्थात यह अस्थाई सेना थी, अस्थाई सेना थी। परंतु जब हम उत्तर वैदिक काल की सीमा को लांघ कर छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं, तो पहली बार यदि कोई पहला महाजनपद या कोई पहला शासक हमको स्थाई सेना रखने वाला दिखाई देता है, तो वह मगध का हरेक वंशी शासक बिंबिसार था। बिंबिसार मिलता है जिसने स्थाई सेना रखी। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, यही महत्वपूर्ण मूल बातें थी जिनसे नदियों के होने से ये सारे लाभ में मिल पा रहे थे। जब आगे हम और भी चीजों को देखने का प्रयास करते हैं तो हम इन नदियों से होने वाले राजनैतिक लाभ को भी देखने का प्रयास करते हैं। तो राजनैतिक लाभ पर जब हम जाते हैं, राजनैतिक लाभ, सर इसको मिटाना पड़ेगा, जब राजनैतिक लाभ की हम बात करते हैं तो राजनैतिक लाभ में हम क्या देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के कारण, यहाँ की अर्थव्यवस्था की मजबूती के कारण ही यहाँ के शासकों ने, अर्थव्यवस्था की मजबूती के कारण ही यहाँ के शासकों ने स्थायी सेना रखनी प्रारंभ की थी। तो राजनीतिक कारण यदि हम आए राजनीतिक लाभ की बात करें या मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारणों में राजनीतिक लाभ की बात करते हैं, तो यह बातें कि इतना सब कुछ होने के बाद इस तरह से मिलने वाले आर्थिक लाभों ने राजनीति को भी मजबूत किया। अर्थव्यवस्था आई और यह वही युग था जब पहली बार नियमित सिक्कों का प्रचलन हमको समाज में दिखाई देना शुरू करता है। और वो सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के के नाम से जाने गए। इन सिक्कों का प्रयोग आर्थिक जगत में क्रांति ला रहा था, व्यापार वाणिज्य को और भी फलने फूलने का अवसर दे रहा था। अब लोगों के लेन देन का माध्यम अब मुद्रा हो रही थी, क्योंकि इसके पहले तक जब हम देखते हैं तो लेन देन का जो माध्यम रहा पूर्व वैदिक और लेटर वैदिक में हम क्या देख पाते हैं, इंडस वैली तक हम जाके क्या देखते हैं कि वहां लेन देन का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। कोई वस्तु लेकर किसी दूसरी वस्तु को
देकर उसका मूल्य चुकाया जाता था। परंतु इस युग में यही छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक नवीन वैज्ञानिक प्रयोग हुआ और धातुओं के टुकड़ों को पीट कर उस पर कोई मार्क बना के, पांच प्रकार के मार्क, इसीलिए उनको पंचमार्क कहा जाता है, मार्क बनाकर वो चलन में आ गए। उन्हीं को देकर लेकर लोग वस्तुओं का क्रय विक्रय करने लगे और इस प्रकार के प्रचलन ने समाज में विभिन्न प्रकार की क्रांतियों को जन्म दिया और उन्हीं क्रांतियों में आर्थिक क्रांति बहुत महत्वपूर्ण थी। तो अर्थव्यवस्था जब इन कारणों के चलते मगध की स्ट्रांग हुई, उस अर्थव्यवस्था इन नदियों के ही चलते, या अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो नदियों के ही चलते उनको सामरिक या राजनीतिक लाभ भी पहुंचा। और वह राजनीतिक लाभ जो हम देखते हैं, तो राजनीतिक लाभ जो हमें दिखाई पड़ता है, उस लाभ में अर्थव्यवस्था की मजबूती के कारण स्थायी सेना का निर्माण संभव हो पाया था। क्योंकि वैदिक उत्तर वैदिक युग तक सेना अस्थायी थी, उत्तर वैदिक युग तक। और राजनीतिक लाभ में हम यही मानते भी हैं कि पहली बात तो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई जिसके चलते राजनीतिक लाभ भी हुआ। मगध को राजनीतिक लाभ हुआ और इस लाभ का जो मूल था वह था कि स्थायी सेना का निर्माण संभव हो सका। दूसरा जो इसका प्रमाण हम क्या देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में हमको स्थायी सेना के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। स्थायी सेना के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वहीं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमको यहाँ स्थायी सेना दिखाई देती है, जिसमें जैन ग्रंथ मगध नरेश बिंबिसार को श्रेणी कहकर पुकारता है। श्रेणी का अर्थ होता है स्थायी सेना रखने वाला, या फिर महती सेना रखने वाला, अर्थात बड़ी सेना रखने वाला। यह अस्थायी सेना नहीं थी, स्थायी सेना थी। और स्थायी सेना उसके रखरखाव, उसके अस्त्र शस्त्र की उपलब्धता और उसके अस्त्रों को उसको उपलब्ध कराना, अर्थात जो कुछ भी मिलिट्री को देना होता है वो सारे संसाधन जब गवर्नमेंट देती है, उसी से सेना की तटस्थता, उसकी मजबूती जाहिर होती है। तो वहां पर मगध को अब विस्तार करना था, इसलिए उसके पास स्थायी सेना का होना परम आवश्यक था। और इन्हीं सारे दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर ऐसा किया भी गया था। तो नदियों से बहुत कई प्रकार के लाभ मगध को प्राप्त हुए थे। तो इस तरह हम क्या देख पाते हैं कि उस युग के इस मगध की भौगोलिक जो सिचुएशन थी, जो उसकी भौगोलिक कंडीशन ने उसको बहुत कुछ उपलब्ध कराया। इसके बाद दूसरा कारण देखते हैं, वैदिक संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र से मगध का बाहर होना। उसका दूसरा कारण था। वैदिक संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र से मगध बाहर, वह कैसे बाहर था कि सबसे पहली बार हमको अथर्ववेद में एक बात मिलती है। और वह बात क्या पता चलती है, सबसे पहली बार हम यह जान पाते हैं कि अंग और मगध, अथर्ववेद से जो पता चलता है कि अंग और मगध वैदिक क्षेत्र से बाहर थे, जिसकी चर्चा हम उत्तर वैदिक काल में कर आए हैं। ये दोनों को जब हम उसके भौगोलिक विस्तार को देखते हैं,
जब भौगोलिक विस्तार के विषय में पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसका विस्तार सदा नहीं रहता है। तो वह अंग और मगध को क्या मानते हैं कि वह अथर्ववेद जो मानता है कि वह अंग और मगध वैदिक क्षेत्र से बाहर है, और इन दोनों को ही अथर्ववेद में यहाँ की निराशियों को व्रात्य कहा गया है। व्रात्य कहा गया है। व्रात्य का जो अर्थ निर्धारित किया गया है, व्रात्य का जो अर्थ निर्धारित किया गया है वह था कि ये प्राकृतिक भाषा बोलने वाले थे। व्रात्य का अर्थ, इसका अर्थ क्या लगाया गया है, अर्थ व्रात्य का अर्थ होता था कि प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा बोलने वाले माले इन्हें ही अनार्य भी कहा गया, अनार्य भी कहा गया है, इन्हें ही अनार्य भी कहा गया है। अनार्य की कुछ विशेष बातें, अनार्य के कुछ विशेष लक्षण अथर्ववेद देता है, और उनमें क्या क्या है, इनको अनश कहा गया है। अनश, अनश उत्तर वैदिक काल में हमारे आपके बीच में इस विषय को लेकर एक चर्चा हो चुकी है, जिसमें अनस, अकर्मण, मृगवाद और ये वो साक्ष्य थे जिनके आधार पर यह देखा गया है कि इनकी पहचान अलग की गई है, इन्हें अनार्य कहा गया है। इन्हें अनस, अकर्मण, मृगवाद और सिष्णुनोवा अनार्यों को ही कहा गया है। अनस का अर्थ जो बताया गया अथर्ववेद से जो स्पष्ट होता है, अनस अर्थात चपटी नाक वाले, अकर्मण अर्थात वैदिक कर्मकांडों को न मानने वाले, मृगवाद अर्थात स्पष्ट भाषा न बोलने वाले माले, और शिष्णुवा अर्थात लिंग पूजा करने वाले। तो इस तरह से अथर्ववेद, जब हम इस बात पर आते हैं कि वैदिक संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र से यह मगध बाहर था, इसका उसको क्या लाभ मिला, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में यदि वह वैदिक संस्कृति, वैदिक प्रभाव क्षेत्र या वैदिक विचारधाराओं को यदि वह नहीं मानते थे तो इससे उनके उत्कर्ष का क्या लेना देना था, इनका उसको उस उत्कर्ष से क्या जुड़ाव था। तो मूलभूत बातों में हम देख पाते हैं कि अथर्ववेद अंग और मगध को व्रात्य कहता है, अर्थात वो स्पष्ट कर देता है कि प्राकृत भाषा बोलने वाले लोगों का भौगोलिक क्षेत्र है, और प्राकृत भाषा बोलने वाले लोगों को ही अथर्ववेद अनार्य भी बताता है, और अनार्य के कुछ लक्षण वह देता है, अर्थात वो बताता है कि अनस, अकर्मण, मृगवाद और शिष्णुनोवा वो लोग होते थे, अर्थात उनकी नाक चपटी होती थी, वैदिक कर्मकांडों को वो नहीं मानते थे, वैदिक कर्मकांडों को भी नहीं मानने वाले थे, ये स्पष्ट भाषा न बोलने वाले थे, अर्थात संस्कृत नहीं बोलते थे, और तीसरी बात थी कि वो लिंग पूजा करने वाले थे। ये इतनी सारी बातें अथर्ववेद से स्पष्ट होती है। तो इन चीजों का मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से क्या संबंध है, यदि हम वैदिक संस्कृति की बात करें तो हम पाते हैं कि इसका लाभ कैसे मिला है। कि हमें माने तो वैदिक संस्कृति में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पाठ होते हैं, जैसे वैदिक संस्कृति में कुछ महत्वपूर्ण पाठ होते हैं जैसे कि वैदिक कुछ साक्ष्य देते हैं, जैसे समुद्र पार न करना, सूद का कार्य करना पाप उन्होंने माना, ये नरबलि
नरबल और पशुबल, पशुबल को मान्यता प्रदान करते थे। ये चीज यदि हम वैदिक संस्कृति के प्रभाव समुद्र पार नहीं करना चाहिए, शूद का कार्य लेन देन का काम करना पाप होता है और नरबलि या पशुबलि से संबंध नहीं रखना चाहिए, इन चीजों को यदि हम माने तो यह तो स्पष्ट आप ध्यान नहीं देते कि यदि ऐसा होता है, परंतु ऐसी मान्यताओं को यदि हम मानने वाले लोग आर्थिक उन्नति नहीं कर सकते। यदि आर्थिक उन्नति करनी है तो इन मान्यताओं के विपरीत ही व्यवहार आपको करना होगा। यदि इन मान्यताओं को आप धारण करके चल रहे हैं तो यह निश्चित है कि आप आर्थिक उन्नति नहीं कर सकते, और आर्थिक उन्नति यदि आपको करनी है तो इन विचारधाराओं से आपको अपना संबंध विच्छेद करके रखना होगा। इन आर्थिक विचारधाराओं में यदि हम किसी भी प्रकार से अपने को जोड़ कर रखते हैं, क्योंकि आर्थिक उन्नति ही राजनीतिक और सामाजिक उन्नति की आधारशिला होती है, परिणाम स्वरूप ऐसी संस्कृति से प्रभावित न होने के कारण ही जो उसका परिणाम आया कि इस प्रकार की संस्कृति, इस प्रकार की विचारधारा से, इस प्रकार की विचारधारा से वो इत्तेफाक नहीं रखे, और उसी का परिणाम आया कि आवश्यकता पड़ने पे उन्होंने व्यापार वाणिज्य के बढ़ावे में, व्यापार को करने में, बिजनेस करने में सूद पर लेन देन का कार्य भी किया, आवश्यकता पड़ने पर वो बाहर भी गए, और पशुओं की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पशु बलि को रोकने का प्रयास किया। क्योंकि दो धार्मिक क्रांतियां जो होती हैं, जो सामाजिक क्रांति को जन्म देती हैं, वह पशु बलि को भी उसमें उसकी कटु आलोचना की गई, क्योंकि पशु उस समय एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो ऐसी बातों को लेकर वैदिक संस्कृति के प्रभाव से जब वो बाहर निकले, बाहर थे ही, तो उसका परिणाम, उसका लाभ उन्हें मिला, और वह महत्वपूर्ण लाभ था मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में एक महत्वपूर्ण पहलू। तो इस प्रकार ये दो महत्वपूर्ण चीजें हम देख पाते हैं। फिर तीसरा महत्वपूर्ण कारण हमको मिलता है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का, लोहे का बेहतर प्रयोग, लोहे का बेहतर प्रयोग इन्होंने किया। और यह प्रयोग क्या था, इस प्रयोग में हम देखते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल, जितने भी आर्कियोलॉजिकल एक्सप्रेशन बिहार के क्षेत्र में हुए, वहाँ जितने भी उत्खनन हुए, वहाँ हमको उत्खनन के माध्यम से, आर्कियोलॉजिकल एलिमेंट्स के माध्यम से भी हमको ऐसे पर्याप्त लौह उपकरण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि मगध क्षेत्र में पर्याप्त जंगलों का जमाव था, और उन जंगलों को काटने के लिए, उन्हें एक उपजाऊ क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए लोहे का भरपूर प्रयोग किया गया, और उस लोहे के प्रयोग के चलते ही वहाँ की भूमि, एक विशाल विस्तार क्षेत्र को हम कृषि की उपज के अनुरूप ढाल पाए। तो लोहे के उपकरणों से भी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका मिली। फिर चौथा कारण आता है हाथियों का सदुपयोग। पहली बार सामरिक दृष्टिकोण से हाथियों का प्रयोग यहीं से प्रारंभ हुआ, और हम क्या देखते हैं कि अंग ने जब मगध ने जब अंग को जीता, तो अंग और कलिंग के क्षेत्र में मिलने वाले हाथी, जिनके दो दृष्टिकोण से लाभ थे, एक तो वनों की कटाई के बाद इन हाथियों के माध्यम से ही वनों की बड़ी बड़ी लकड़ियों को दूर ले जाकर हटाया गया, और उसके बाद में सामरिक दृष्टिकोण से भी इन हाथियों की हस्त सेना बनाई गई, और उस हस्त सेना को जब शत्रु सेना के ऊपर को दहलाने में, शत्रु सेना के किलों को तोड़ने में, उनकी पैदल सेना पर काफ़ी क्षति पहुँचाने में इन हाथियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंग विजय के बाद एक बड़ा हाथियों का मार्केट मगध को मिल गया। अंग के जंगलों से मिलने वाले हाथी मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए काफी कारगर सिद्ध हुए। फिर उसका पांचवा एक अंतिम जो महत्वपूर्ण कारण मिलता है, योग्य शासकों, राजवंशों और शासकों की श्रृंखला। मगध एक ऐसा राजवंश, एक ऐसा महाजनपद था जहाँ योग्य शासकों की एक श्रृंखला, योग्य राजवंशों की एक श्रृंखला मिलती है। प्रारंभ में हम क्या देखते हैं कि हर्यक वंश यहाँ शासन करता है। हर्यक वंश के बाद में यहाँ हम सहसुनाग वंश को शासन करते ही पाते हैं। सहसुनाग वंश और सहसुनाग के बाद में नंद वंश ने शासन किया। ये महत्वपूर्ण राजवंश प्रारंभ में
मगध साम्राज्य को मिले। और इन शासकों में भरत वंश से तीन महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार अजातशत्रु और उदयन की भूमिका मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में काफी सराहनीय रही। शिशुनाग वंश में हम शिशुनाग और कालाशोक की भूमिका वो महत्वपूर्ण तरीके से पाते हैं, जिसकी वजह से कि मगध साम्राज्य का उत्तरोत्तर विस्तार हुआ। नंदों में हम महापद्मनंद की वीरता को लांग नहीं पाते। किसी ने सबसे पहले इतिहास में एक राज की उपाधि धारण की, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था कि एकमात्र राजा। और यही मगध साम्राज्य ने आज समुद्र पर्यंत भूमि क्षेत्र को अपनी सीमा के अंतर्गत ले लिया। हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पर शासन किया गया। तो इस प्रकार इन शासकों ने, इन महत्वपूर्ण राजवंशों ने भी अपने जो इनकी जो श्रृंखलाएं मिली, एक के बाद एक क्रमानुसार मिलते गए। इस प्रकार से न तो अवंती को मिली, न वत्स को मिली और न ही कौशल को मिली। इनके पास इन सारे संसाधनों की कमियों के चलते वो मगध की विस्तारवादी नीति के शिकार हुए। और कहीं न कहीं बहुत कुछ होने के बावजूद भी बहुत कुछ ना होना उनके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ और वो मगध की दौड़ से बाहर हो गए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम आपके साथ हर्यक वंश और के साथ मगध साम्राज्य के